दोस्त मैं वापस आया हूँ आप सभी लोगों के लिए दुनिया में मौजूद कुछ ऐसे खतरनाक चीजें लेकर के जिन्हें यार आपने अभी तक नाम भी नहीं सुना होगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा 14 से 15 ऐसे खतरनाक प्रोडक्ट्स जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाने वाले हो। खैर आज आप जानने वाले स्मार्टफोन की गैजेट स्पाई गैजेट और इसके अलावा ढेर सारे मजेदार प्रोडक्ट्स, तो वीडियो को एंड तक देखना और काफी सारे स्मार्ट गैजेट आज मैं आपको दिखाऊंगा, तो इसलिए यार मिस मत करना वरना बहुत ज्यादा पछता सकते हो। खैर वीडियो को शुरुआत करते हैं और चलते हैं अपने इस अमेजिंग सफर पर। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले गैजेट टेनो से। गैस वैसे तो आपने अभी तक ऐसा खतरनाक दिखने वाला ब्लूटूथ स्पीकर नहीं देखा होगा। खैर मिलते हैं टेनो से। गैस ये एक ऐसा ब्लूटूथ स्पीकर है जिसका डिजाइन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और लगता है कि गिर करके टूट चुका है, लेकिन गैस इसका डिजाइन कुछ ऐसा ही बनाया गया है कि टूटा हुआ लगता है, लेकिन गैस जिसमें आपको अंदर लाइट मिलता है जो कि आपको नाइट में बहुत ही अच्छी रोशनी दे सकता है। इसके साथ साथ टच कंट्रोल होता है, पूरी तरह से आप टच करके कंट्रोल कर सकते हो, म्यूजिक प्ले पॉज करना हो या फिर लाइट को ऑन ऑफ करना हो, पूरी तरह से टच करके इसे कंट्रोल कर सकते हो। तो गैस आज का हमारा दूसरा गैजेट है जेन पॉड्स। गैस एयरबड ऐसा होना चाहिए कि कानों से गिरे ना और इसमें अच्छी खासी फीचर होना चाहिए। खैर गैस ये है जेन पॉड ऐसा कमाल का एयरबड जो कि पूरी तरह से टच कंट्रोल होता है। अगर आप गाने सुन रहे हो तो म्यूजिक को प्ले पॉज करने के लिए अपने फोन को निकालना नहीं पड़ेगा, आप इसी से टच करके कंट्रोल कर सकते हो। ये आपके कानों पर बहुत ही अच्छे से खप जाता है, जिसे कोई भी वर्कआउट कर रहे हो तो ये आपके कानों से गिरेगा भी नहीं। और अगर इसकी लुक्स और डिजाइन की बात करें तो बहुत ज्यादा मजेदार है, काफी छोटा सा साइज का होता है। खैर गैस अगर आपको ऐसा एयरबड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां से खरीद सकते हो। खैर आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे गैजेट की तरफ, नंबर 3 इक्स्टर। गाइस वैलेट तो हम सभी लोग रखते हैं, लेकिन ये है स्मार्ट वैलेट। इसका डिजाइन और इसका लुक बहुत ही ज्यादा ओपी है। खास ही ये स्मार्ट वैलेट हो तो ये आपके फोन से कनेक्ट हो जाता है। अगर कोई चोरी कर लेता है तो अपने फोन से लोकेशन ट्रेस कर सकती हो, और इसे निकालने का कोई भी चीज निकालना हो तो इसका निकालने का तरीका बहुत ही ज्यादा ओपी है, क्योंकि इसका डिजाइन भी बहुत ज्यादा मजेदार है। अगर आप इसे अपने पॉकेट पर डालते हो तो ज्यादा बल्कि नहीं लगता है, क्योंकि बहुत ही पतला सा होता है, छोटे से साइज का होता है। नंबर 4 मैक्यू। दोस्तों बॉल की तरह दिखने वाला ये मजेदार सा प्रोडक्ट आप सभी के लिए बहुत ही खतरनाक गैजेट हो सकता है, क्योंकि आइए एक स्पाई गैजेट है जहाँ पे अपने घर पे हर एक कोने पर आप नजर रख सकते हो। गैस ये बॉल की तरह दिखता है और लगता है ये कोई टॉय है, लेकिन यार इसमें आपको कैमरा लगा होता है जो कि अगर आप अपने रूम पर लगाते हो और कोई आपके रूम पर आ जाए तो आपके फोन पर नोटिफिकेशन देता है और आप उसे देख सकते हो। और दोस्तों ये साथ ही अलार्म भी देता है, मतलब ये साइलेंट बजने लगता है, जिससे अगर कोई रूम में आपकी इजाजत के बिना आता है तो यार आपको पता भी चल जाएगा और वो सायरन सुनकर वहां से भाग भी जाएगा। खैर अगर आप स्पाइक करना चाहते हो अपने घर पर किसी पे भी तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर 5 एवरीडे ब्लेड। गाइस आजकल हर कोई बहुत ही छोटे छोटे और मल्टीफंक्शनल चीजों का इस्तेमाल करता है, क्योंकि यार ऐसे चीज हमें लाइफ में बहुत ज्यादा काम आते हैं। खैर मेरे लिए एवरीडे ब्लेड से। गाइस ये एक ऐसा छोटा सा टूल होता है जहाँ पे आपको 12 अलग अलग टाइप के नाइफ मिलता है, और ये छोटा सा किचन गैजेट है जहाँ पे अपने चाबी के साथ लटका कर कहीं भी जा सकते हो और 12 अलग अलग टाइप के आपको नाइफ मिलेगा, ब्लेड मिलेगा, जिससे आप कोई भी चीजों को कटिंग करना हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो गाइस आपके डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होने वाला ये प्रोडक्ट भी बहुत ही यूजफुल है। नंबर 6 JJRC Q71। गैस वैसे तो हमने बहुत सारे RC टॉयज देखे हैं, लेकिन गैस ये RC कार बहुत ज्यादा अलग है, क्योंकि इसका डिजाइन और इसका फीचर भी बहुत ज्यादा मजेदार है। और दोस्तों आप इसे चलाने के साथ साथ 360 डिग्री में रोटेशन भी कर सकते हो, जिससे अपना शेप बदल लेता है और बहुत ही स्पीड में ये रोटेट करता है, साथ ही फ्लिप कर सकता है, और गैस बहुत ज्यादा यूनिक लगता है ये रोटेट होते हुए। तो अगर आपको भी ऐसे RC कार अपने मजे के लिए या फिर टाइम पास करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप इसे ले सकते हो। खैर आप इसे अपने बच्चों को चाहो तो गिफ्ट भी कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मजेदार है। नंबर 7 Hunt 23। गैस अब मिलते हैं कुछ मजेदार चीजों से। गैस ये है Hunt 23। ये बहुत ही छोटे से साइज का एक ऐसा मल्टीफंक्शनल टूल जिसे आप कई सारे काम कर सकते हो। इसमें आपको टॉर्च मिल जाता है जो कि नाइट में इमरजेंसी में आप इस्तेमाल कर सकते हो, और कभी ना कभी तो कर ही सकते हो। खैर आप इसके मदद से कोई भी चीजों को टाइट कर सकते हो, कोई भी चीजों को कट कर सकते हो। इसके अलावा गैस ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आप इसके मदद से बोतल ओपन कर सकते हो। किसी भी चीजों को कट करने के साथ आपको 2 अलग अलग कलर का लाइट मिल जाता है। तो अगर आपको भी ऐसे छोटे से मल्टीफंक्शनल टूल चाहिए तो आप इसे ले सकते हो। नंबर 8 गाइस ये है माइक्रोब्लेड पील।
दोस्तों कैप्सूल की तरह दिखता है लेकिन है बहुत ज्यादा खतरनाक, क्योंकि इसमें जो ब्लेड मिल रहा है वो बहुत ज्यादा शार्प होता है। यह आसानी से कोई भी चीजों को कट कर सकता है। अगर आपको भी ऐसा कटिंग टूल चाहिए तो आप इस माइक्रो ब्लेड पिल को ले सकते हो जो कि कैप्सूल की तरह दिखता है। हालांकि गाइस इसका डिजाइन बहुत ज्यादा यूनिक होता है क्योंकि आपकी चाबी पर लटका हुआ रहेगा या फिर अपने कहीं भी पर रख सकते हो और किसी भी मजबूत स्ट्रांग चीजों को भी इजीली कट कर देता है। अगर आपको वुड को भी कट करना होती है आराम से उसे भी कट कर सकता है, तो ये गैजेट भी बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है आप सभी के लिए। नंबर 9, पिस्टा ग्रिप। गाइस अक्सर महंगे महंगे फोनों पर हम ग्रिप, रिंग होल्डर इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे हाथ से गिर कर टूटे ना। खैर गाइस ये भी बहुत ही यूजफुल गैजेट हो सकता है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आप अगर इसे अपने फोन पर लगाते हो तो अपने फोन को एक अच्छे तरीके से पकड़ सकते हो, होल्ड कर सकते हो और वीडियोस फोटोज कुछ भी रिकॉर्ड कर रहे हो तो वैसे में गलती से भी आपका फोन गिरने का चांस नहीं होता है। इसके अलावा आप एक फोन स्टैंड की तरह इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप वीडियो कॉल में बात कर रहे हो, मूवीज देख रहे हो। खैर आप इस छोटे से गैजेट को अपने बैक कवर पर लगा सकते हो, जिसे अगर आपको रिमूव करना हो तो बैक कवर ही बदल दो। तो गाइस इसी तरह से आप इस गैजेट का इस्तेमाल कर सकते हो और अपने फोन को अच्छे से कर सकते हो ताकि वो गिरकर टूटे ना। नंबर 10, फ्लाई नोवा प्रो। गाइस टाइम पास करने के लिए या फिर स्ट्रेस फ्री होने के लिए आप इस गैजेट का इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि ये एक टॉय होता है जो कि यार बॉल की तरह दिखता है और उड़ता है ड्रोन की तरह। खैर गाइस इसके साथ आपको मिलेगा ट्रिगर, जिससे आप इसे और भी हवा में उड़ा सकते हो। इसके अलावा इसे हर कोई यूज कर सकता है मजे करने के लिए, टाइम पास करने के लिए। खैर अगर आप इस बॉल को कहीं आपसे दूर फेंकते हो तो वापस आपके पास ही आ जाता है, जिससे आप ऐसा करने में आपको बार बार काफी मजा भी आ जाता है। खैर गाइस आप इसे चाहो तो अपने दोस्तों के साथ मजे कर सकते हो या फिर अपने घर वालों में किसी को भी गिफ्ट करना चाहो तो ऐसे कमाल की चीज गिफ्ट कर सकते हो, इससे वो भी टाइम पास कर सकते हैं। नंबर 11, बैकी Y6। दोस्तों वैसे तो हम सभी ने काफी सारे अलग अलग स्मार्ट वॉच, स्मार्ट बैंड देखे हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा अलग है क्योंकि अगर इसमें कोई कॉल आता है या फिर गाने सुनना हो तो आप इसे चाहो तो जब चाहो अपने निगाह से निकाल करके अपने कान पर लगा सकते हो और किसी से भी बातें कर सकते हो। इसमें कोई हर तरह की कॉल वगैरह आ सकता है और काफी सारे एडवांस फीचर तो मिल ही जाते हैं, जिसे आप जब चाहो निकाल सकते हो अपने हाथों से और कान पर लगा करके बातें कर सकते हो। और इसमें स्मार्टफोन पर आने वाले सभी तरह के नोटिफिकेशंस और कॉल वगैरह सब कुछ दिखाता है, जिससे आप सब कुछ अपने वॉच पर ही देख सकते हो। तो अगर आपको ये वॉच चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से खरीद सकते हो। तो गाइस आइए मिलते हैं एक बहुत ही मजेदार चीज से, वो है नंबर 12 के गैजेट सर्वो L9। गैस आप इसे एक फोन ब्लूटूथ हेडसेट बोल सकते हो जहाँ पे आप हर एक तरह की कॉल को रिसीव करके बातें कर सकते हो। इसमें आप मेमोरी कार्ड, सिम कार्ड वगैरह लगा सकते हो और गैस इसमें हर एक तरह की नंबर बटन मिल जाता है, जैसे अगर आप किसी को भी कॉल करना चाहो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। खैर गैस आप इसका इस्तेमाल जब कर सकते हो, अगर आपको बहुत ज्यादा कॉल आता है और आपको हर वक्त कॉल पर बातें करना पड़ता है तो आप इसे अपने कान पर लगा करके हर बार कॉल रिसीव करके बातें कर सकते हो, या फिर किसी को भी डायल करना हो तो वो चीज कर सकते हो आप इस गैजेट को अपने कान पर पहन करके। खैर ये बहुत ही अच्छे से आपके कान पर लगता है, कोई भी वर्कआउट करते वक्त गिरेगा नहीं, तो गाइस बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है आप सभी लोगों के लिए। नंबर 13, JBL पार्टी बॉक्स। दोस्तों गाने सुनना हम सभी को बहुत ज्यादा पसंद है। खैर आइए मिलते हैं JBL की तरफ से आने वाले इस पावरफुल बॉक्स के। गाइस ये एक ऐसा बॉक्स है जो मतलब ये एक ऐसा वायरलेस स्पीकर है जो कि आपको बहुत ही खतरनाक तरीके से गाने सुना सकता है। खैर यार बहुत ही ज्यादा बड़े से साइज का होता है जो कि यार इसमें लाइट इफेक्ट भी मिल जाता है जो कि यार आपके फोन से कनेक्ट हो जाता है और अपने फोन से कंट्रोल कर सकते हो। और दोस्तों आप गाने सुन सकते हो बहुत ही हार्ड ब्लास्ट के साथ, बहुत ही अच्छे साउंड के साथ। तो गाइस JBL की तरफ से आने वाला ये कमाल का बॉक्स बहुत ज्यादा हार्ड है। नंबर 14, S1 स्मार्ट लॉक। गाइस आजकल तो हर कोई अपने दरवाजे पर एक स्मार्ट लॉक का इस्तेमाल कर रहा है। खैर गाइस आप किस लॉक का इस्तेमाल करते हो कमेंट में बता देना। तो गाइस आइए मिलते हैं S1 स्मार्ट लॉक से। ये एक ऐसे स्मार्ट लॉक है जो कि फिंगरप्रिंट से अनलॉक होता है, पासवर्ड से अनलॉक होता है, आपके वॉइस से अनलॉक होता है। इसके अलावा अगर आप अपने फोन को इसके पास रखते हो तो ये ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाता है। और गाइस अगर आप अपने घर पर नहीं हो, ऑफिस पर भी बैठे हो और दोस्तों अपने दरवाजे को लॉक करना भूल गए हो तो ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। साथ ही गाइस आपके दरवाजे को कितनी बार ओपन किया गया है और जितनी बार भी ओपन होगा आपके फोन पर नोटिफिकेशन दे देता है। और गाइस आप चाहो तो अपने मोबाइल फोन से ही कंट्रोल कर सकते हो और एक क्लिक में आप चाहो तो अनलॉक कर सकते हो सिर्फ एक क्लिक में। तो दोस्तों ऐसे कमाल के स्मार्ट लॉक आप सभी के दरवाजे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपको घर को पहले से ज्यादा सेफ रख सकता है ऐसे कमाल की चीजें।
खैर मैं काफी देर से आपको बहुत सारे गैजेट के बारे में बता रहा हूँ। खैर मैंने आपको बताया 14 बहुत ही मजेदार गैजेट्स के बारे में। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपको इनमें से कौन सा गैजेट अच्छा लगा, उसका नाम कमेंट में बता दीजिएगा ताकि मैं आपको उसका लिंक दे सकूँ और आप उसे खरीद सको। खैर अगर आपको जो भी गैजेट खरीदना हो तो बस आप उसका नाम कमेंट कर दीजिएगा। तो गाइस यार मिलते हैं अगले वीडियो में ढेर सारे मजेदार प्रोडक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय और अपना ख्याल रखिएगा। और गाइस एक बात यार बोलना मैं भूल गया, वीडियो को लाइक कर देना यार, बहुत मेहनत लगता है तो लाइक जरूर कर देना प्लीज यार, एक लाइक तो कर ही देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आप न्यू हो।